नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते भैया, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी भैया, आवाज आ रही है। जी बढ़िया। सभी साथियों का इस हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया, कल का गुरुवार मेरे का था। जी, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, फिर आता हाँ हूँ। जी भैया, जी। तो सभी का स्वागत है इस सुबह के सत्र में, मॉर्निंग सेशन में, है ना? तो इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में हम सबको एक तो ध्यान है ही कि हम अपने सुख की निरंतरता चाहते हैं, है ना? तृप्ति पूर्वक जीवन की निरंतरता चाहते हैं। उसी के अर्थ में हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे तो ध्यान तो पूरे अस्तित्व पर ही जाना है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो जीने का एक्सपेंशन है वो पूरे अस्तित्व तक ही है। लेकिन अभी देखेंगे तो अस्तित्व में जो चैतन्य इकाई है ना, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में, उस पर हम लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कॉन्शियसनेस में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है ना, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऑब्जर्वेशन हमेशा बना रहे, हर पल बना रहे, हर क्षण बना रहे, उसके लिए हम अपने में बार बार इस निर्णय को बनाए रख रहे हैं कि ध्यान तो मुझे हर पल देना है। और उस पूरी प्रक्रिया में हम लोग ये ध्यान देने की सूक्ष्मता को भी बढ़ा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आशा, विचार, इच्छा, इसको भी हम ठीक से देख पाए। और इस पूरे प्रक्रिया में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रोकने का प्रयास नहीं करना है, बदलने का प्रयास नहीं करना है। तो इनिशियली हमको जो दिख रहा है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमको आशा दिखेगी, विचार दिखेगा, उसका पीछे का भाव दिखेगा। ये भाव तक पहुंच जाए ये इम्पोर्टेंट बात है। तो एक बार भाव तक हम पहुंच जाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बात कर रहे हैं कि इस क्षण भाव का मूल्यांकन करना। तो इस क्षण जो भाव चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उसका मूल्यांकन करना है हमको। और उसका मूल्यांकन करने के लिए हम अपने से पूछ रहे हैं कि यह भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, यह भाव मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मैं इस भाव की निरंतरता बनाए रखना चाहता हूँ या नहीं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चीजें हो रही है तब मैं अपने भाव को देख पा रहा हूँ, विचार को देख पा रहा हूँ, उसके पीछे के भाव को देख पा रहा हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब चीजें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद हमारा ध्यान जाता है, तो फिर एक निष्कर्ष के रूप में भी हम देख सकते हैं कि पीछे जो भी घटना हुई है उसके पीछे मेरा भाव क्या रहा होगा। लेकिन प्रयास तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जब चीजें हो रही है, होते समय मैं अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान बनाए रख रहा हूं कि नहीं, अपने में जो आशा, विचार, भाव चल रहा है उस पर ध्यान बनाए रख पा रहा हूं कि नहीं, और उस मोमेंट पर, उस क्षण पर मैं भाव को इवेल्युएट कर पा रहा हूं कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है ना? तो चीजें जब हो रही हैं, प्रैक्टिकली चल रही हैं, जैसे हम आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन करते समय हमारा अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान बना रहता है कि नहीं, है ना? तो मैं जब कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने के पीछे कोई भाव होगा, उस भाव से कोई विचार चल रहा होगा, इन सब चीजों पर ध्यान बना रहता है कि नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब चीजें हो रही हैं तब मेरा ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन अगर चीजें हो जाती हैं तब ध्यान जा रहा है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, अभ्यास की बात है। उस कंडीशन में भी हम अपने से आफ्टर थॉट के रूप में तो देख ही सकते हैं, अभी जो मेरे से विचार हुआ है, व्यवहार हुआ है, उसके पीछे मेरा क्या भाव रहा होगा। तो कभी हम आफ्टर थॉट के रूप में देख सकते हैं, और अगर इस निर्णय को बनाए रखेंगे कि देखना तो हर पल है, हर क्षण है, तो ग्रेजुअली और नेचुरली धीरे धीरे जब चीजें हो रही होंगी, घटनाएं हो रही होंगी, उस समय भी मैं अपने कल्पनाशीलता को ध्यान बनाए रखते हुए अपने भाव, विचार, आशा, इन सबको देख सकता हूँ, तो उस समय देख सकता हूँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक बार भाव का मूल्यांकन ठीक से हो जाए ना, तो बहुत सारी चीजें फिर होने लगती हैं।
तो फिर बहुत सारा चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मूल्यांकन वाला काम हमारे में शुरू हो जाए तो धीरे धीरे वो सारे संस्कार जिनकी इंटेंसिटी बहुत गहराई से बनी हुई है धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं। तो इसलिए ये कल्पनाशीलता पर ध्यान बनाए रखना और ध्यान देते हुए आशा विचार इच्छा भाव तक पहुंचना और भाव को देखकर उस समय उसका मूल्यांकन करना, ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है, स्टेप 1 एंड 2। तो उदाहरण के रूप में उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम देख सकते हैं कि इस क्षण अपने में क्या भाव चल रहा है और चल रहा है उसको देखते रहें और उसका मूल्यांकन करें। और जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो सावधानी इतनी ही बात रखनी है कि फिर से प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो अगर हमको दिख जाता है कि भाव हमको सहज स्वीकार नहीं है तो उस पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिक्रिया का मतलब उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, उससे दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने में मूल्यांकन करें और फिर उसको ऑब्जर्वेशन पर रखे रहें, ये काम हमको अपने में करना है। तो सजग रहना है, अपने में जो भाव चल रहा है उसे देखना है, मूल्यांकन करना है बिना किसी प्रतिक्रिया के। तो स्टेप 1 और 2 दोनों को ही हमको ध्यान में रखना है। स्टेप 1 में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन अगर हमारा गहराई में होने लगा है, हम भाव तक पहुंच गए हैं, तो जिस क्षण हम भाव तक पहुंच जाएंगे उस क्षण हम अपने में मूल्यांकन करेंगे भाव का। जिस क्षण भाव तक नहीं पहुंचे हैं उस क्षण थोड़ा और ध्यान देंगे इस विचार के पीछे क्या भाव चल रहा है। अच्छा इसके साथ हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और अपने से ये पूछ रहे हैं कि ये भाव मुझे सह स्वीकार है कि नहीं है, इससे मैं आराम में हूं कि नहीं, संगीत में हूं कि नहीं, ना? सुखी हूं या दुखी हूं, ये अपने से हम पूछ रहे हैं। तो स्टेप 2 3 मिलाकर हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और इतना करते हुए फिर से बात का ध्यान रखना है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी। अगर अंतर्विरोध विरोध में हूं तो भी बस पूछना है और फिर उसको ऑब्जर्व करते रहना है। ये ऑब्जर्वेशन वाला काम एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रक्रिया में। तो जब ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि अब मैं जैसा हो रहा है वैसा देख रहा हूँ, मूल्यांकन कर रहा हूँ, फिर जो हो रहा है फिर मैं उसको देख रहा हूँ। ये देख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टेप 1 2 3 को मिलाकर है ना हम लोग इस सुबह के अभ्यास को भी कर रहे हैं। तो हम सब लोग ऑब्जर्वेशन में काम कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं। तो कल से आज तक स्टेप 1 2 3 को हम कितना देख पाए हैं अलग अलग करके या कंबाइन करके, जैसा अभी आपका शेयरिंग है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम सबका ग्रोथ होने की संभावना बन जाती है। जी ठीक है, कुछ लोगों का हैंड रेज है, हम लोग देख लेते हैं। नमस्ते दीदी। जी। नमस्ते भैया, नमस्ते जी सभी को। भैया थोड़ा ये समझना है मुझे कि स्टेप 1 जो हम कर रहे हैं वो B1 ब्लॉक से कर जी रहे हैं, प्योर ऑब्जर्वर के स्थान से हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं। स्टेप 2 और 3 ये जो कर रहे हैं हम अपने से पूछ रहे हैं या स्व मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या मैं B1 में बने रहते हुए ही ये कर रही हूँ करना है, या B2 में हम आके या आकर वहां पे करना है, इसको थोड़ा सा मेरा एक सवाल बन रहा था भैया। जी जी तो देखिए, अभी तो करना तो यही है। इनफैक्ट हम ये तभी कर पाएंगे, ये जो स्टेप 1 2 3 की बात कर रहे हैं कि अपने को देख रहे हैं, जो भी चल रहा है उसको ठीक से देख पा रहे हैं, इच्छा विचार आशा को, फिर भाव के लेवल पर मूल्यांकन करना है, अपने से पूछना है सहज स्वीकार है कि नहीं है, फिर थर्ड स्टेप में हम पूछ रहे हैं मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, संगीत में हूँ विरोध में हूँ, और बिना इंटरप्ट किए इतना मैं कर पा रहा हूँ, तो वो B1 ब्लॉक से ही हो पा रहा है, जी क्योंकि वहीं पर ही जाकर है ना हम चीज़ों का एज इट इज होता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन ये स्टेप 2 3 करते हुए हम कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो जाते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं, हटाने की कोशिश करने लगते हैं, बनाए रखने की कोशिश करने लगते हैं। अगर ये सब हो रहा है
अभी फिर हम B2 ब्लॉक में ही हैं। फिर तो इनफैक्ट हाँ इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो हम B2 से B1 में जाने का ही अभ्यास कर रहे हैं। हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे में ये पोटेंशियल है कि बिना हम रिएक्शन दिए चीज़ों को एज इट इज होते हुए देख भी सकते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और बिना प्रतिक्रिया दिए जब हम मूल्यांकन कर पाएंगे तभी हमारे में परिमार्जन स्टार्ट होगा, यानी कि क्वालिटेटिव शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली ये जो बार बार बात कहते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं करना है, सिर्फ पूछना है, फिर ऑब्जर्व करना है ना, जब अपने जब पूछ रहे हैं, ये मूल्यांकन कर रहे हैं कि सहज स्वीकार है कि नहीं, तो मान लीजिए सहज स्वीकार नहीं है तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो भी उसको बनाए नहीं रखना है, ये वाला काम जब हम कर रहे हैं तो बेसिकली जो मेरा देखने का पोटेंशियल है आप प्रभावित होते हुए, यानी कि वो B1 ब्लॉक की बात हो रही है, वहां तक जाने की बात हो रही है। तो लेकिन अभ्यास बस हम लोग बार बार प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन फिर हम लोग अपने से पूछते हैं भाई प्रतिक्रिया तो हो गई लेकिन पोटेंशियल है कि नहीं, तो इंट्यूटिवली तो आंसर आता है हाँ पोटेंशियल तो है, लेकिन अभ्यास बस चीज़ों में हम चले जाते हैं ना, प्रतिक्रिया में चले जाते हैं। तो इसको जब बार बार स्टेप को कर रहे हैं और हम एक क्षण भी ऐसा देख पाएंगे कि भाई बिना प्रतिक्रिया किए भी मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मूल्यांकन भी कर रहा हूँ फिर भी प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही है, तो वो क्षण की जो बात हो रही है वो तो B1 ब्लॉक से ही हो पाएगा, अगर हो पा रहा है तो B1 ब्लॉक से ही हो रहा है फिर, नहीं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम पूछ रहे हैं और पूछते पूछते प्रतिक्रिया करने लगे, तो इसका मतलब अभी हम B2 ब्लॉक में ही हैं। तो हम कल्पनाशीलता में रहकर ये तीनों स्टेप कर रहे हैं, अगर तीनों स्टेप कर रहे हैं कल्पनाशीलता में रहते हुए फिर प्रतिक्रिया होने लग स्वाभाविक बात है, हो जाती है क्योंकि हम उसी का एक पार्ट हैं। अगर ये सब करते हुए कल्पनाशीलता में सब मूल्यांकन करते हुए है ना हम B1 ब्लॉक की जगह से कर रहे हैं, देखने के पोटेंशियल की जगह से कर रहे हैं, तो फिर प्रतिक्रिया नहीं होगी, फिर तो सीधे सीधे हम मूल्यांकन उसका कर ही पाएंगे, और जैसे जैसे मूल्यांकन कर पाएंगे भाव के लेवल पर तो उस भाव के आधार बनाकर जो बहुत सारा विचार फैला हुआ है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि भाव मूल्यांकित नहीं हो पा रहा है इसलिए विचार बहुत सारा फैला रहता है, तो एक बार हम उस जगह पर पहुंच के भाव को ठीक से मूल्यांकित कर लें तो बहुत सारा जो विचार फैला है ये विदा हो जाएगा धीरे धीरे। तो पोटेंशियल की जब बात कर रहे हैं तो वो B1 ब्लॉक की बात कर रहे हैं दीदी जी। भैया, जैसे मैं अपना अभी कंटिन्यूअसली अवेयर होके देखती रहती हूँ ना, तो जो मैं अपने को समझ रही थी ये स्टेप्स को लेकर भी, जब हम भाव को देखते हैं और वो आगे वाले जो स्टेप है, अगर आप B1 में बने रहते हो तो वो आगे वाले स्टेप्स बिना पूछे ही वो होने लगते हैं, ऐसे मैं एक थोड़ा सा बिल्कुल ऑब्जर्व या नोट कर पाई भैया कि मतलब वहां पे ऐसे सवाल या अपने में वो संवाद करने की जरूरत नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको जब मैं समझ रही थी, क्योंकि प्योर ऑब्जर्वर के स्थान पर जब आप बने रहते हो तो आपको ये स्वीकार ही नहीं हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है स्टेप्स, ऐसे मैं कुछ समझ पाई या नोट कर पाई भैया जी। जी, तो प्योर ऑब्जर्वर की जगह अगर हम होंगे तो अन्यथा क्यों चले कल्पनाशीलता में, फिर तो वही चलेगा जो सअस्तित्व व्यवस्था और संबंध के अर्थ में, फिर तो वही चलेगा ही। अब इशू यही है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और बहुत सारा विचारों में फैलाते तो हैं सअस्तित्व व्यवस्था और संबंध को, लेकिन क्योंकि संस्कार रूप में कुछ और बना हुआ है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तो विचारों में तो हम फैलाते हैं लेकिन भाव के लेवल पर जब मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो जीने में फिर वही रिफ्लेक्ट हो जाता है जो बना हुआ है ना, इतना विचारों में फैलाने के बाद भी। तो अगर उस जगह पर हम होंगे दृष्टा के जगह पर होंगे तो मिला मूल्यांकन होना भी एक सहज प्रक्रिया है ही फिर तो, लेकिन वहां तक जाने के लिए वो Step 1 2 3 4 5 6 करते करते जा रहे हैं है ना, जिससे कि हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करें, अपना जो पोटेंशियल है देखने का उस पर जाना स्टार्ट करें। एक बार पहुंच गए फिर तो सब कुछ व्यवस्था संबंध और शास्त्रित्व के अर्थ में मूल्यांकित होना ही है, ये तो सहज बात हो ही गई है जी। जी, भैया मैं और करती हूँ ऑब्जर्वेशन, कुछ रहा तो रखूंगी जी। थैंक यू भैया। जी बढ़िया दीदी, थैंक यू।
नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते सभी को, मेरी जी। आवाज आ रही हाँ जी, हाँ जी भैया, आ रही है आपकी आवाज। है? अरे ये जो दीदी प्रश्न पूछी है वो उस पर मेरा ध्यान गया, तो मेरा जो ध्यान गया उसको मैं रख देता हूँ, फिर आप उसको और बताएंगे तो और क्लियर होगा। कल्पनाशीलता को देखते वक्त जो हमें जो देखने का काम करना है वो तो शुद्ध दृष्टा की जगह से देखना है। डी1 ब्लॉक अगर जब हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि डी1 ब्लॉक तो जो इवन चित्त की जगह है जहाँ चिंतन हो रहा है वो भी डी1 ब्लॉक का हिस्सा है। उससे ऊपर जो संस्कार वाला हिस्सा है जिसको हम लोग बोध कह रहे हैं वो भी डी1 ब्लॉक का हिस्सा है, और शुद्ध दृष्टा वाली जगह, अनुभव वाली जगह भी डी1 ब्लॉक का हिस्सा है। तो जी अगर हम भाव को देखने जा रहे हैं तो हम कहाँ से देख रहे हैं ये इस पर निर्भर कर रहा है कि हम उसको सीधे सीधे देख रहे हैं या उस पर क्रिया कर दे रहे हैं। प्रक्रिया कर देने का मतलब है कि वो विचार की धारा में, भाव की विचारधारा में जंप कर जा रहे हैं जैसे नदी बह रही हो, और बिना प्रक्रिया किए देख रहे हैं तो फिर उसमें हम तटस्थ होकर देख रहे हैं। तो जी डी1 ब्लॉक से देख रहे हैं इससे ज्यादा स्पष्ट है कि हम शुद्ध दृष्टा की जगह से देख रहे हैं या उससे नीचे उतर जा रहे हैं। जो नीचे उतर जा रहे हैं बोध की जगह से वो भी डी1 ब्लॉक का ही हिस्सा है, लेकिन उसमें हम तटस्थ नहीं रह पा रहे हैं, उसमें हम प्रक्रिया कर दे रहे हैं। तो अगर ऐसे देखेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। अब जब जंप कर जा रहे हैं, प्रक्रिया कर दे रहे हैं, तो फिर सही सही मूल्यांकन भी, जब मूल्यांकन करने हम उतरेंगे तो सही सही मूल्यांकन भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो उसी विचारों में उसी भाव में बहते जा रहे होंगे। तो डी1 ब्लॉक का होना या उन दोनों जगहों पर होना, शुद्ध दृष्टा की जगह पर होना या फिर उससे नीचे वाली जगह जो है जो संस्कार की जगह है, जो बोध की जगह, वहां होना, और डी1 ब्लॉक में तो बल्कि जो चित्त की जगह है जहाँ हम देख रहे हैं इच्छा वाली जगह, वहां भी जो चिंतन वाला हिस्सा है जो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है जिसको होना है अभी, वो भी डी1 ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये बात मुझे रखना था जी। जी ठीक बात है भैया, उसको तो जितना हम लोग टेक्निकली रख सकते हैं उतना तो रखा ही जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अवेयरनेस वाली स्टेप्स पर ध्यान जाना, अवेयरनेस का बढ़ना और अपने में ये ग्लिम्स आ पाना कि मेरे में ये पोटेंशियल है कि बिना प्रतिक्रिया दिए मैं चीज़ों को देख सकता हूँ। एक बार वहाँ तक पहुँच कर फिर बहुत सारा टेक्निकल डिस्कशन तो हो ही सकता है, क्योंकि दृष्टा तो फिर है ना ऊपर से अस्तित्व की जगह पर ही है सीधे सीधे, वो बात तो ठीक ही है, लेकिन कम से कम अभी अवेयरनेस वाला भाग तो बढ़े है ना, हर पल हर क्षण, फिर उस पर बिना प्रतिक्रिया के मैं देख पा रहा हूँ इसका ग्लिम्स हमको मिलने लगे, फिर वहां पर जाकर तो बहुत सारा और टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है कि बोध की जगह पर क्या हो रहा है, चित्त की जगह पर क्या हो रहा है, अनुभव की जगह पर क्या हो रहा है। तो दृष्टा को देखेंगे तो वो जो आप कह रहे हैं फिर तो वहीं पर ही है वो, है ना, देखना तो वहीं से ही सीधे सीधे हो रहा है, लेकिन ठीक है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसको हम एक्सरसाइज के थ्रू कर रहे हैं, कम से कम अभी हम सब उससे तो एक बार ठीक से अवेयर होके चलना स्टार्ट करें, है ना, फिर हम लोग उसका और भी डिस्कशन कह सकता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही तो है ही टेक्निकली तो। जी भैया तो महत्वपूर्ण बात देखिए बार बार मैं यही ध्यान दिला रहा हूँ, जब चीज़ें हो रही हैं, जब हमारा इंट्रैक्शन हो रहा है, जब हम बैठे हुए हैं, जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं बाहर या अपने में देख रहे हैं, तो जब ये सब चल रहा है तब हम अपने में कितना अवेयर होकर चीज़ों को देख पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। तो कंटेंट पर डिस्कशन होना एक पार्ट है, और जब मैं डेली की एक्टिविटी कर रहा हूँ उसमें मेरी अवेयरनेस बढ़ना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो सारा मुद्दा देखेंगे तो अवेयरनेस से बढ़ती है अगर हमारी,
तो धीरे धीरे उसको फाइन तरीके से और भी देखेंगे तो उसका देखने का तृप्ति मिलेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम सब चल रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, डेली लाइफ कर में जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं अपनी, उस समय अगर मेरी अवेयरनेस से मैं नहीं देख पाता हूँ और सिर्फ कंटेंट पे लेकर हम बहुत सारी बात करते रहते हैं, तो वो कंटेंट विचारों में तो फैलता रहता है, लेकिन अवेयरनेस ना बढ़ पाने के कारण जो मूल्यांकन नहीं होना होना है उस पर अगर वो नहीं हो पाएगा तो बहुत सारा गैप फिर बना रहता है। तो जो क्वालिटेटिव शिफ्टिंग की जो बात हो रही है, परिमार्जन की बात हो रही है, उसका प्रोसेस तो यही है कि अपने में अवेयरनेस, अवेयरनेस हर पल हर क्षण उसके साथ चीज़ों को देखना बिना प्रतिक्रिया किए, मैं उसको देख सकता हूँ, मूल्यांकित कर सकता हूँ भाव को, इस बात तक पहुँचना। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब मैं बिना प्रतिक्रिया क्रिया किए मूल्यांकित कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, इस जगह पर पहुँचना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जिस क्षण हमको ये दिखेगा कि अब मैं कर रहा हूँ, है ना, तो फिर हम देख पाएंगे, हम पे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ऐसी स्थिति भी मेरी होनी संभव है, फिर और आसान हो जाएंगी चीजें। तो दो तीन तरह से चीजों को देख सकते हैं। एक तो ये है कि मैं ध्यान दूंगा, उस समय देखूंगा क्या चल रहा है और प्रतिक्रिया नहीं करूंगा क्योंकि मेरा देखने का पोटेंशियल है, एक पार्ट ये है। एक पार्ट ये है कि अब मैं देख रहा हूं लेकिन प्रतिक्रिया हो जा रही है। तीसरे भाग ये है कि अब मैं देख रहा हूँ और बिना प्रतिक्रिया किए देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ, ये स्थिति तक पहुँचना एक इम्पॉर्टेंट बात है, भले वो क्षणिक हो। इस स्थिति तक अगर हम पहुँचते हैं तो बहुत सारा, है ना, जो अपने में अन्यथा बना हुआ है वो भी रिजॉल्व होगा और हमारा एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, ये मैं कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ बिना प्रतिक्रिया के रिजॉल्व कर रहा हूँ, कर रहा हूँ इस मोमेंट पर, ये क्षण हमारी लाइफ में आना जरूरी है। इसके साथ ही बहुत सारा क्वालिटेटिव शिफ्ट होना स्टार्ट हो सकता है। तो इसी क्रम में हम लोग बार बार अभ्यास कर रहे हैं, बार बार ध्यान दिला रहे हैं, तो जैसा कि सबकी शेयरिंग से आता है, कई बार चीजें हो जाती हैं तब ध्यान जाता है, कई बार चीजें चल रही हैं तब ध्यान जाता है, कुछ क्षण ऐसे भी हो सकते हैं हो हम ना देख पा रहे हो, अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है ऐसा हमको दिखे भी कि मैं बिना प्रभावित हुए मूल्यांकन कर भी रहा हूँ, उस क्षण की अवेयरनेस आना एक महत्वपूर्ण बात है। और पूरा एफर्ट तो इसी बात पे ही लग रहा है इन स्टेप से कि हम अपने में ये देख पाए कि अब इस क्षण मैं कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, अपने विचार, आशा, विचार, इच्छा को देख रहा हूँ, उसके पीछे के भाव को देख रहा हूँ, अब मैं भाव को बिना प्रतिक्रिया के मूल्यांकित कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ अब, ऐसा क्षण अपने में देखना इम्पोर्टेंट बात है। जी, उसी क्रम में हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं, बताइए, है ना, और किसी का शेयरिंग हो कल से आज तक, स्टेप वन पर, स्टेप टू पर, स्टेप थ्री पर, है ना, हम 1 2 3 सब एक साथ कर दे रहे हैं, या हम ये देख पा रहे हैं ये स्टेप वन है तो ये स्टेप टू है जिसमें मैं अपने भाव को देख रहा हूँ, तो ये स्टेप थ्री है, ऐसे हम देख पा रहे हैं या सब चीजें मिक्स हो जाती हैं आपस में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, बताइए। नमस्ते भैया। हाँ सभी जी हाँ भैया, ये जैसे डे टू डे एक्टिविटी में जी मान लीजिए कोई व्यक्ति के साथ जो आदत रही है कि विरोध भाव में देखने की, ये आदमी तो गड़बड़ है, तो वहाँ पर पॉज ले करके उसी समय द रियल टाइम में ये कैपेसिटी तो आई है कि ये देखो मेरे में इनके प्रति विरोध भाव चल रहा है और देखें तो इसकी निरंतरता मैं नहीं चाहता और इससे मैं दुखी होता हूं। तो वहां पर फिर सारी जो चीजें आगे डेवलप हो सकती थी कि मैं कुछ बोल देता या बातें कुछ आगे डेवलप कर जाती,
वहां पे एक पॉज हो जाता है कि वहां से हट गए या बैठे और इसी बात में बैठे कि नहीं अभी चीज मतलब चीजें वैसे नहीं चलनी चाहिए, कि देखिए मुझे मैं इस परिस्थिति की जो विरोध भाव है उसको मैं चलाना भी नहीं चाहता और इससे मेरे अंदर दुख हो रहा है। तो ये कैपेसिटी कई बार बन जाती है, द मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये चीजें हो रही हैं। तो इसलिए कुछ एक्शन वाला जो पहले पार्ट ऐसा कभी होता था या ज्यादातर होता था वो, या रिएक्शन बोल सकते हैं, वो पार्ट कम से कम काफी हद तक बंद तो हुआ है। या कोई व्यक्ति सामने नहीं है तो भी, तो बात मन में उठी, फिर ये चीज ध्यान दिए कि नहीं देखो मन में विरोध भाव आया है और ये चीज है मैं चलाना नहीं चाहता, ये भी अंदर से लगता है और ये भी लगता है कि नहीं इससे मैं कंफर्टेबल नहीं, इससे मैं हार्मोनी में नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ, तो जस्ट वहीं स्टॉप कर दिया, विरोध भाव को आगे अभी नहीं लेके जाता। जी भैया, जी, एक बात अच्छी है कि हमारा ध्यान अब अपनी तरफ जा रहा है ना, जैसे भी स्थिति है कम से कम हम देख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। उसमें जैसे ये भी अच्छी बात है कि हम ये देख पा रहे हैं कि जो भाव चल रहा है वो हमको सहज स्वीकार नहीं है उसको मैं आगे नहीं चलाना, ना। ये मैं जो देखता हूँ मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है कि हाँ ये विचार रुक ही जाए तो अच्छा है, ये मतलब इसे सुख नहीं लग रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये सह स्वीकार नहीं। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है ना कि अब ये रुक ही जाए, ये एक इशू है, ये प्रतिक्रिया है ना। तो रुक ही जाए तो एक्चुअली में आप क्या करेंगे, फिर अपने ध्यान को किसी और विचार में शिफ्ट कर देंगे। देखिए, रुक ही जाए, इससे ज्यादा बेटर लाइन ये है कि मेरे में उस व्यक्ति के लिए स्नेह का भाव आ जाए। तो अभी विरोध का भाव है इसलिए विचार चल रहा है, हम उसको बिना भाव का मूल्यांकन किए उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वो रुकेगा नहीं, आप शिफ्ट कर देंगे अपना ध्यान जो उस विचार भाव पे गया था, अब दूसरे विचार भाव पे ले जाएंगे, तो उससे वो रुकेगा नहीं, आप डाइवर्ट हो गए बेसिकली। तो जी भैया, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा कल्पनाशीलता में फिर, हाँ, लेकिन वो जो बना हुआ है विरोध का भाव और उससे जो विचार बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है, वो गया का, वो तो कल्पनाशीलता में है अभी। इतना ही है कि हमने ध्यान शिफ्ट कर लिया अपना, है ना। तो जो बना हुआ है उसका फिर हमको दुख तो मिलता ही रहेगा, तो उसी को हम लोग थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप को मिलाकर कर रहे हैं कि एक बार हमको ये दिख जाए कि ये हमको सहज स्वीकार नहीं है। अब सहज स्वीकार नहीं है ये मूल्यांकन हमको करना है, फिर अपने से पूछ रहे हैं क्या हम इसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो आंसर अगर आ रहा है कि निरंतरता नहीं चाहते तो उसको हटाना नहीं है, फिर उसको ऑब्जर्व करिए ये पूछने के बाद अब क्या हो रहा है। वो हम हटाने लगते हैं, हटाने का मतलब यही है, अब अपना ध्यान हम उस भाव विचार से हटा के कल्पनाशीलता में कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो इसीलिए स्टेप 2 और 3 में और 1 में भी बार बार ये बात की जा रही है कि हमको प्रतिक्रिया नहीं करनी। प्रतिक्रिया का मतलब यही है कि इस विचार को हटा देना है, ये भी प्रतिक्रिया है। बनाए रखना अच्छे विचार को, ये भी एक प्रतिक्रिया है। हमको सिंपल क्या करना है, सिर्फ देखना है और मूल्यांकन करना है, सहज स्वीकार है कि नहीं है। तो आंसर आ रहा नहीं है, फिर अपने से पूछे इससे मैं कंफर्टेबल हूँ अनकंफर्टेबल हूँ, इसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, इतना पूछ के बस फिर ऑब्जर्व करते रहिए क्या हो रहा है। अब फिर 4th स्टेप में जाकर इसको हम लोग और ठीक से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं देना, ये बात ध्यान बनी रहे। जी भैया, हाँ, जी लेकिन जी भैया यहाँ पे जैसे आपने बताया कि आप फिर दूसरे विचार पे शिफ्ट करेंगे, तो जो करने लायक है वो ये है कि वो जो विरोध का भाव है वो स्नेह के भाव में बदले, अदरवाइज सुख की निरंतरता नहीं वहाँ पे नहीं हो पाए। जी ठीक है भैया, हाँ जी। तो तो जैसे स्नेह बदले के भाव, बदलेगा वो कैसे, है हाँ ना। अगले स्टेप तो उसी के लिए होंगे ना भैया। जी 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 ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, मेरे विचार गया वहां पे, थैंक यू जी भैया। जी जी बढ़िया। तो अच्छी बात है कि हम लोग देख रहे हैं, उसको देखते समय इतना ही ध्यान रखना है कि प्रतिक्रिया वाला भाग अभी हम तो नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया का मतलब ही यही है, आप या तो और विचारों को भाव को छेड़ देंगे
या वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहीं और भी हम लोग शिफ्ट हो गए तो वो पहले वाला विचार के पीछे जो भाव था विरोध का, वो तो रिजॉल्व अभी हुआ नहीं, वो बने हुआ है, तो वो पड़ा रहेगा, फिर कभी एक्टिवेट होगा, फिर बाहर निकल के आएगा, ये सब चलता रहता है। लेकिन मूल्यांकन करने से क्या हो जाता है कि वो भाव का जब हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर लेते हैं तो फिर अपने में वो भाव आता है जो हमको सहज स्वीकार है, फिर उसके अर्थ में विचार फैलता है, वहां जाकर हमारे सुख की निरंतरता बनती है, जब अपने भाव का ठीक से मूल्यांकन करके कल्पनाशीलता में उन भाव को बनाए रखते हैं। तो आगे के स्टेप्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही कर रहे हैं कि प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर हमको दिख गया कि सहज स्वीकार नहीं है, निरंतरता नहीं चाहते हैं, तो बस पूछ के फिर से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है इसका, है ना? ठीक, बताइए और किसी का अगर ध्यान गया है ना इस पूरे प्रोसेस में। जी दीदी जी नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते सर। दीदी। भैया अभी मेरे दो क्वेश्चन बन रहे थे। एक तो ये जैसे भाव को ऑब्जर्व करना है तो हमने रिएक्शन नहीं करना, तो रिएक्शन मतलब है कि अपने मन में विरोध का भाव नहीं लाना या एक्सप्रेशन नहीं करना कुछ ऐसा। तो अभी मुझे यही समझ में आया कि एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अपने भाव में ही विरोध भाव आ रहा है तो वो रिएक्शन है। एक तो ये बात कि रिएक्शन हम मतलब उसको क्लियर कर दीजिए, रिएक्शन का मतलब क्या है। और दूसरा ये कि अभी मैंने देखा कि जैसे एक्सपीरियंस अभी सुबह का ये है कि मैंने किसी को कोई काम बोला था कई दिन पहले, तो सुबह मैसेज हुआ कि नहीं हुआ, तो एकदम से मन में आया कि इतने दिनों से काम दिया हुआ है, इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, ये चाहिए था वो चाहिए था जो भी चाहिए था मटेरियल तो पहले बताना चाहिए था। और जैसे ही मैंने इस भाव को देखा कि ये विरोध का भाव है तो एकदम से हेडेक हुआ, लेकिन मैंने देखा कि ये तो विरोध कर रही हूँ मैं, तो फिर मैंने अपने विचारों में ये चलाया कि शायद उनके पास सच में ये चीज़ें नहीं होंगी, सच में ही कोई प्रॉब्लम हो रही होगी कॉम्पिटेंस लेवल पे, तो फिर मैं आराम में आ गई। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने विचारों से अपने भाव को चेंज किया, तो ये प्रोसेस ठीक है या कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी मतलब विचारों से मतलब सोच के मैंने अपने भाव को चेंज किया, वो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, प्लीज बताइए। जी तो बेसिकली देखेंगे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, पहले मैं उसको ले लेता हूँ फिर फर्स्ट वाले पर आता हूँ। तो बेसिकली देखेंगे जब हमारे में विरोध का भाव है, उससे विरोध के विचार फैल रहे हैं और उसको मैं देख रहा हूँ कि मैं विरोध में हूँ इस समय, और जब हम इस तरह की मेथोडोलॉजी देते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, और उससे अपने विचारों को हम सेटल करने की कोशिश करते हैं, तो जब उससे सेटल करने की कोशिश करते हैं तो भाव कोई ठीक हो गया ऐसा होने की संभावना कम है। इतने ही हुआ कि ये जो हमने काउंटर आर्गूमेंट अपने विचारों में फैलाया है, इससे जो आवेश बन रहा था मेरे अंदर पहले वाले विचार से, तो उस काउंटर आर्गुमेंट से थोड़ी राहत मिल जाती है। जिस इंटेंसिटी से वो फैल रहा होता है उस इंटेंसिटी को फैल से हम फैलने नहीं देते हैं जब इस तरह के विचार लाते हैं दूसरे तरह के कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो जब मैं इस तरह के विचार ला रहा हूँ उससे भाव में चेंज हो रहा है ऐसा नहीं है। हम जब काउंटर आर्गूमेंट क्रिएट करते हैं ना तो अपने में जो एक्सपेंड हो रहा था उसको एक्सपेंड होने से रोक लेते हैं, इसलिए हमको लगता है थोड़ा रिलैक्स तो हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखेंगे तो बात तो यह है कि मेरे में उतना फैल रहा है क्योंकि मेरे में विरोध का भाव बना है, और विरोध के भाव का मूल्यांकन होना जरूरी है। तो भाव का जो मूल्यांकन है ना वो विचारों से नहीं होगा, भाव का मूल्यांकन तो अपने में उस समय विचार से भाव तक जाना और भाव तक जाकर अपने से पूछ पाना कि ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है, ये मेरे मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है, इसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ।
ये वाला जब स्टेप करेंगे ना, स्टेप 2 और 3 को मिलाकर, तब उसका मूल्यांकन होगा, तब वो ठीक से मूल्यांकित हो पाएगा। अदरवाइज मूल्यांकन नहीं होगा, हम तर्क के थ्रू उसको सेट करने की कोशिश करेंगे तो भाव तक नहीं पहुंचेंगे, विचार को विचार के थ्रू हम सेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें इशू ये हो सकता है कि आपने एक तरह का आर्गूमेंट दिया, आपको लगा सेट हुआ, थोड़ी देर बाद दूसरे तरह का आर्गूमेंट भी आ सकता है आपके अंदर, है ना, फिर तीसरी तरह का भी आर्गूमेंट आ सकता है, और वो बहुत देर तक आप में चल भी सकता है। तो हम विचारों को सप्रेस कर रहे हैं उस समय, कॉन्ट्राडिक्टरी विचारों को, या उस विचार के पीछे के भाव को जाकर मूल्यांकित कर रहे हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो देखिए, अगर आप जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो हुआ यही है कि हमारे अंदर विरोध का भाव आया है, उससे विरोध का विचार फैल गया है, अब उसका दुख हमको मिलने लगा है। अब उस दुख से मुक्त होने का क्या तरीका हो सकता है? एक तो ये तरीका हो सकता है कि उस समय अपने विचार पे ध्यान दूं, फिर अपने भाव पे ध्यान दूं, फिर भाव के लेवल पर जाकर उसको मूल्यांकन करें, एक ये तरीका हो सकता है। लेकिन अभी हम ये वाला तरीका ना लेकर दूसरा वाला लेते हैं, उसको रैशनली अपने ही विचारों को काउंटर आर्गूमेंट के थ्रू सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इससे उस समय ऐसा लगता तो है, लेकिन वो उसका इफेक्ट बना रहेगा, वो मूल्यांकित नहीं होगा, इफेक्ट बना रहेगा। हो सकता है थोड़े दिन बाद फिर से लौट कर आए, अगली बार व्यक्ति ने फिर काम नहीं किया, फिर हो सकता है पिछला वाला भी हिसाब किताब लेकर और ये जो आज हुआ है उस सबको लेकर फिर से विरोध में आ सकते हैं। तो जब मूल्यांकन हो जाएगा ना, तो हमारे अंदर उसके लिए अन्यथा भाव आने की संभावना खत्म हो जाएगी। अभी अन्यथा भाव आ जाता है, फिर उससे विचार आ जाता है, हमको लगता है आज हमने सेटल कर लिया है, लेकिन 10 दिन बाद फिर से वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर हमारे अंदर स्टार्ट होगा। ये जो फिर से बार बार स्टार्ट होता है ना, इसका मतलब अभी मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, वो हम अपने थॉट्स को थॉट्स के थ्रू सेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बेस में बना ही रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाव तो रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है दीदी, है ना। जैसे कि और छोटी छोटी घटनाओं से देख सकते हैं, जैसे आपके अंदर किसी के लिए विरोध का भाव चल रहा है, उससे विचार फैल गया, हम उसको ऑब्जर्व करके मूल्यांकित नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी और टेक्निक्स लेते हैं। जैसे कई लोग इस बात पे आते हैं कि चलो छोड़ो, समय बताएगा उसको, समय बहुत बलवान होता है। अब ये कह के हम ड्रॉप तो कर देते हैं, लेकिन जो अपने विचार को देखना और उसके पीछे के भाव को मूल्यांकित करना, वो काम हुआ नहीं रहता है। तो जैसे ही वो आदमी फिर से कुछ करता है, फिर से हमारे अंदर विरोध आ जाता है, फिर से हम कुछ काउंटर आर्गूमेंट करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि विचार से भाव को हमने रिजॉल्व कर दिया है, लेकिन विचार से विचार को हम एड्रेस करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जो भाव है, जो उसका रूट है, वो अभी वैसे ही बना रहता है, तो बार बार फ्लरिश होता रहता है, ट्रिगर होता रहता है। तो उसी का रास्ता हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, जैसे ही मेरे में विरोध का आता है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अभी तो हम अपने में ये देखें, जिस क्षण मेरे में विरोध का विचार आया है, उस क्षण मैं उस विचार के पीछे अपने भाव को देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ, उस भाव को देखते हुए उसका मूल्यांकन कर पा रहा हूँ कि नहीं, यानी कि अपने से पूछ पा रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं, ये स्टेप 2 3 उस समय कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इतना करते हुए फिर उसको जो रिस्पॉन्स देना होगा देंगे। तो मुझे लगता है ये वाले स्टेप्स, ये वो मोमेंट होते हैं जब हमको ये स्टेप्स करनी है, 2 3 1 2 3। अगर उन मोमेंट्स पर हम ये स्टेप 1 2 3 कर पाते हैं, तो उससे जो मूल्यांकन होगा और उससे जो विचार सही होंगे, वो काफी समय तक सेटल्ड रहेंगे। जी दीदी, ये दूसरी वाली लाइन का आंसर है, इसमें जी अगर भैया, आपके लिए पूरा हाँ पड़ गया तो बताइए, फिर मैं पहले वाले पाता हूँ। जी भैया, ये सेकंड वाला तो क्लियर है भैया, नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं था एकदम से। मतलब बहुत हेडेक हुआ मुझे, नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं था, तब भी तो मैंने उसको सेटल करने की कोशिश की। लेकिन वो सेटल करने के लिए मुझे सोचना, मेरे मतलब ये विचार लाने पड़े दिमाग में ना। नेचुरली एक्सेप्टेबल तो नहीं था बिल्कुल भी, फील हो रहा था एकदम से। बहुत कुछ दिमाग में, मतलब सिरदर्द टाइप, जैसे वेव्स चलती है ना, ऐसा कुछ लगा।
तो फिर मैंने कहा ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे सोच लिया कि हाँ हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई होगी जिस वजह से नहीं हुआ है। मतलब ये सोचना, मतलब आपके हिसाब से ये सोचना नेसेसरी नहीं है, बस ये देखना है कि भाव नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मेरे सहज भाव के अनुरूप नहीं है, तो मुझे नहीं चलाना है ना। यही कहना चाह रहे हैं आप, मुझे तो यही समझ नहीं में है। नहीं 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 चलाना ये नहीं कह रहे हैं। जी मेरे सहज, मुझे स्वभाव सहज स्वीकार नहीं है नहीं ना, है मुझे, मैं इसकी निरंतरता नहीं चाहता हूँ। जी। इतना पूछ के फिर देखिए क्या हो रहा है। उसको पूछने के बाद ही भैया ये आया दिमाग में कि हाँ, ये जो मुझे मैसेज, ये वो लग रहा था कि जानबूझ के नहीं कर रही हैं, तो वो सेटल हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं हुआ होगा हाँ, तो ये वाला ये। जो विचार आया है ना कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये दो तरीके से आ सकता है। एक तो जब मैंने अपने से पूछा सहज स्वीकार है कि नहीं, आंसर आया नहीं है, फिर मैं अपने से पूछ रहा हूँ मुझे क्या सहज स्वीकार है, तो आंसर आ रहा है कि स्नेह का भाव सहज स्वीकार है। अब स्नेह के भाव से अब मेरे विचार में ये फैल रहा है कि जानबूझ के नहीं हुआ है, इंटेंशन तो ठीक है ना, कुछ ना कुछ चूक हुई है। अगर इस तरह से फैल रहा है भाव के साथ, तो उसमें हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको परेशानी नहीं होगी ये फैलाते हुए। लेकिन अगर वो सहज स्वीकार नहीं है, हमको इसको नहीं रखना है, हम नहीं रखना है, और हम मूल्यांकन भी नहीं कर रहे हैं और एक काउंटर आर्गुमेंट तैयार कर रहे हैं, फिर तो वो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होने ही वाला है, अपने को तो होने ही वाला है। क्योंकि एक तरफ तो हम फैला रहे हैं, ये फैल रहा है विरोध के भाव से विचार, और दूसरी तरफ से उसको सप्रेस कर रहे हैं बिना भाव को मूल्यांकित किए, तो उससे तो समस्या आने की संभावना तो है ही है ना। अगर भाव के मूल्यांकन के साथ वो आ रहा है कि क्या भाव हमको सह स्वीकार है, तो आंसर आ रहा है स्नेह का। अब स्नेह के भाव के साथ मैं अपने विचार को फैला रहा हूँ, और इस विचार में देख रहा हूँ अब उस व्यक्ति के साथ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी ये भैया, दोनों हाँ पॉसिबिलिटी हैं मेरी। जी, मैं शब्दों में नहीं रख पा रही थी, आपने रख दिया। शायद वो स्नेह का भाव आ गया था और जी मैं जी कंफर्टेबल हो गई थी। जी भैया, जी मैं जी शायद तो रख नहीं पाई इस चीज को। जी जी, तो स्नेह भाव के साथ आ गया, तब आप तो आराम में बने ही रहेंगे, क्योंकि यही आपको सहज स्वीकार है। अब उसके लिए खूब सारा विचार चलाइए, उससे कोई परेशानी नहीं होगी है ना। परेशानी तब होती है जब अभाव में हम विचार चलाते हैं, जो भाव उनको सहज स्वीकार नहीं है उसको रखते हुए जब बहुत सारा विचार फैलाते हैं, तो परेशानी होती है। जी भैया, उसी टाइम जी सेटल हो गया। मतलब मैं कंफर्टेबल विद इन 2 मिनट्स में कंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन मुझे जी ये जी नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने भाव के साथ किया है या मैंने विचारों के साथ किया है। तो अब आपकी बात से ये समझ आ गया कि विचारों से नहीं था, वो भाव से ही था। जी थैंक यू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पहली वाली जो बात आपकी थी कि रिएक्शन दे रहे हैं, तो बाहर रिएक्शन नहीं देना है या अंदर रिएक्शन नहीं देना है, तो देखेंगे तो रिएक्शन पहले तो अंदर ही आ रहा है, कॉन्शियसनेस में आ रहा है ना। और रिएक्शन जो कॉन्शियसनेस में आ रहा है वही एक्सप्रेस होके बाहर आता है, तो बाहर वाले को आप रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनली वो रिएक्शन बना हुआ है तो हो सकता है बाहर रोकने से बाहर की परिस्थितियों में उतना डैमेज ना हो, ये तो हो सकता है। लेकिन मैं अपने में रखे हुए हूँ और उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे में जो डैमेज हो रहा है वो तो होगा ही होगा। तो मेरी कॉन्शियसनेस में जो विरोध के साथ विचार फैल रहा है ना, उस विचार का जो प्रभाव मेरे शरीर पे पड़ रहा है, उस रूप में देखेंगे तो संस्कारों का भी डैमेज हो रहा है, और उसका जो प्रभाव मेरे शरीर पे पड़ रहा है वो भी डैमेज हो रहा है। तो भले हम बाहर एक्सप्रेस ना कर रहे हों ये सोच के कि कम से कम बाहर की परिस्थिति तो ठीक रहे, लेकिन अगर हम अंदर उसको रखे हुए हैं और रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने संस्कारों का डैमेज होना ये तय है, और उसका जो प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है, शरीर का डैमेज होना ये भी तय है। और देर सवेर तो वो बाहर निकलेगा ही, व्यक्ति ए के सामने आप नहीं निकालेंगे तो बी सी डी के आगे निकलेगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम बाहर की परिस्थितियों को बचाए रखने के लिए अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं, तो हमको लगता है देखो बाहर तो चीज़ें ठीक हो ही गई हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर अब हम परेशान हैं। तो जब अंदर रिएक्शन रख रहे हैं, तो हमारे जो संस्कार है ना, जो रिएक्शन वाले बने हुए हैं,
वो सब और पुष्ट हो जाते हैं, और फिर उन सब के कॉम्बिनेशन पे जो शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, तो शरीर पे बहुत सारा इश्यूज दिखाई देता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम, टेंशन हो जाना, बीपी हाई लो हो जाना, ये सब साइकोसोमेटिक डिसीजेज हैं। तो भले ही बाहर डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन अपना डैमेज और शरीर का तक उसका प्रभाव आना है, ये डैमेज तो हम कर ही रहे हैं, है ना। तो बाहर नहीं आने देना है, एक पार्ट है ये, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि अपने में रिजॉल्व हो जाए। तो बाहर आने नहीं देना है, आने देना है, इसका कोई फर्क ही नहीं है। एक बार रिजॉल्व हो गया तो फिर बाहर तो आने की संभावना ही नहीं है, तो जो अंदर है वही बाहर आता है। तो इसलिए अपने में उसको रिजॉल्व करना इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अपना डैमेज तो हो ही रहा है, संस्कारों के रूप में भी, और उसका प्रभाव जो शरीर पर आ रहा है उस पर भी, है ना। और उसको कैसे करना है, उसी का हम लोग ये प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। तो अभी बाहर की परिस्थिति ठीक रहे, हम इसके लिए बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन अपनी स्थिति भी ठीक रहे, अपने संस्कारों का भी परिमार्जन हो, ये भी हमारी प्रायोरिटी पे होगा। तो पहला ध्यान हमारा इसी पे जाएगा कि विरोध का भाव आते ही हमारे संस्कारों का परिमार्जन तो नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब ही हो रहे हैं, पहले इसे ठीक कर लेते हैं। एक बार इस पे काम करने लगेंगे तो बाहर तो ठीक होना तय है ही, हम ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक सही से इंटरेक्शन कर पाएंगे। जी दीदी, ये आपके पहले वाली लाइन का आंसर है। जी भैया, अगर कंक्लूड करें तो विरोध का भाव आना ही रिएक्शन है ना। हाँ, विरोध का भाव है, इसलिए आप रिएक्शन में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि विरोध के भाव की मैं निरंतरता नहीं चाहता हूँ, कॉन्शियसनेस में रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास चॉइस क्या बची है, अब मैं प्रतिक्रिया ही करने की चॉइस बच गई है आपके पास। तो ये दिख जाए कि विरोध का भाव मेरे में आ गया है, लेकिन इस भाव को ऑब्जर्व करके, मूल्यांकन करके निकलने का पोटेंशियल मेरे में है, तो फिर एक रास्ता दिखता है और उससे जाकर मैं अपने को रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो अब प्रतिक्रिया ही मेरे पास चॉइस नहीं है, अब रिस्पॉन्स भी मेरे पास चॉइस आ गया है, ये हमको दिखेगा फिर। जी भैया, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत ही डिटेल्ड में आपने समझा दिया। थैंक यू सो मच। नमस्ते भैया। अजी भैया, आवाज आ रही है ना मेरे? जी, आज साफ आ रही है बिल्कुल। हाँ, ये जो दीदी ने बताया इसी बात पर ही मेरा भी यही टाइप का प्रश्न था कि जी जो हम काम कर रहे थे इसमें ऐसा विरोध का भाव आया, और ये इसी वजह से, किसी की वजह से पूरे काम में दिक्कत आ गई, पूरा काम गड़बड़ हो गया, और जो पूरा अच्छा होने वाला था इसमें थोड़ी रुकावट आ गई, तो इसी बात के लिए विरोध आ गए। और जब भी हम ये अच्छे काम के लिए सोचते हैं और करने को जब चाहते हैं, तब तो वो फिर से आ जाता है कि भाई हमें तो करना है, मगर ये रुकावट कर रही है, तो कैसे बचे उससे? ठीक है, अच्छा तो काम दो है वो तरीके रुक रहा से। है। जी जी सर, जी बोलिए बोलिए, हाँ आप पूरी बात करिए। जो अच्छा काम है वो अच्छा हाँ सही काम रुक रहा है, हम्म, और हम बहुत प्रयत्न किया कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कर नहीं पा रहे हैं, अच्छा काम करना है दिख रहा है, इसमें वो गलती हो रही है, गलत हो रहा है, मगर इसलिए विरोध का भाव आ रहा है। जी, हो गया मेरा। देखिए, दो चीज़ों की स्पष्टता जरूरी है हमको। जी एक तो हमको ये स्पष्ट होना जरूरी है कि उसकी वजह से विरोध का भाव आ रहा है, या अपने में विरोध का भाव बना हुआ था और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो ट्रिगर हो गया है, हाँ, ये स्पष्टता होना जरूरी है। जी, एक्सपेक्टेशन तो थी कि हमें ये जी काम करना था, अच्छे से करना था, खुद के लिए नहीं, खुद के कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं, बड़े इंटरेस्ट के लिए, सभी के लिए, तो इसमें ये अड़चन आ गई। नहीं, उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो देखिए क्या है, मैं पूरी बात बोल देता हूँ, है ना।
अभी क्या है कि अगर हम पूरे इस अस्तित्व को देखेंगे तो हम लोग इस कंटेंट में देख ही रहे हैं, पूरा अस्तित्व सअस्तित्व पूर्वक है जी जी ना, और हर इकाई सअस्तित्व पूर्वक चल रही है। और हर इकाई बोल रहे हैं तो हर इकाई में सारी इकाइयां आ जाती हैं। मनुष्य में भी देखेंगे तो चाहना के रूप में तो सअस्तित्व बने हुआ है ना, भले वो जीने में स्लिप हो रहा हो लेकिन जीने की चाहना पूछेंगे तो सअस्तित्व पूर्वक ही हो रही हाँ है ना। तो इस सअस्तित्व को क्लियरिटी के साथ हर यूनिट की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर मेरा ध्यान जाता है। फिर उस व्यवस्था के साथ हर बड़ी व्यवस्था में मेरी भागीदारी क्या है, इस बात की अगर क्लियरिटी रहती है जी तो उस भागीदारी करने के अर्थ में मेरे में जो भाव और विचार से मैं शुरू करता हूँ इतने में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में शुरू कर रहा हूँ, और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था को मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल जी तो मैं विश्वास के भाव से शुरू कर रहा हूँ, स्नेह के भाव से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से मेरे भागीदारी होगी मनुष्य के साथ जब हम इंटरेक्शन करेंगे। तो मुझे क्लियर हो गया है कि मुझे तो इस विश्वास के भाव से शुरू करना है, स्नेह के भाव से शुरू करना है, प्रेम के भाव से शुरू करना है, क्योंकि मैं अस्तित्व को सअस्तित्व पूर्वक देख पा रहा हूँ, उसमें व्यवस्था को देख पा रहा हूँ, और उस व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में जो भाव बन रहे हैं उससे शुरू कर रहा हूँ। इतने से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो उस भाव के साथ जो मैं विचार में फैला रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ करने का, इसका मैं कंफर्टेबिलिटी बनी रहेगी है ना। अब जब मैं करने जाऊंगा तो उसमें करना पूरा हो जाए इस पे बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। यहाँ तो से बाहर रुका जो हूँ। मैनिफेस्टेशन होना है वो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब किसी कुछ फैक्टर उसमें काम नहीं किए बाहर है ना, और उससे वो काम नहीं हो पाया है तो उतना मैनिफेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मेरे में जो भाव और भागीदारी का विचार चल रहा है इससे मैं परेशान नहीं होता हूँ। वो फैक्टर जब भी योग संयोग फिर से ठीक होगा तो फिर से मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है उससे मैं परेशान हो रहा हूँ, इसका एक अर्थ ये भी है कि मैं भाव को देखते हुए, भागीदारी को देखते हुए नहीं चला बाहर एक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा एक्सपेक्टेशन में कर रहा हूँ। जी अब वो जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है फिर हम परेशान होते हैं। यही हो रहा है। परेशानी देखेंगे तो कल्पनाशीलता में, कल्पनाशीलता में परेशानी कब होगी, जब हम अभाव में होंगे है ना। तो वो अभाव की परेशानी है। अगर हम भाव के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, भागीदारी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएंगी, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम सब लोग मिलकर 200 लोग बात कर रहे हैं जी है ना, तो हम कहीं ना कहीं समझने के प्रयास में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल अब इस बीच चलते हुए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा, हम परेशान होंगे या सोल्यूशन ना, ढूंढेंगे? तो सॉल्यूशन ढूंढेगी तो सही बात है। वही सोल्यूशन ढूंढेंगे, परेशान होने के बाद क्या बात है। तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, हमारे में इस बात का सुख बना रहेगा कि हम समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल पर ध्यान दे रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हमारे में भाव चल रहा है, इसका सुख बना रहेगा। इंटरनेट शुरू हो जाएगा फिर से लोगों तक बात पहुंचने लगेगी, लोगों से हम जुड़ जाएंगे। इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मेरे में जो भाव बना हुआ है उसका सुख तो मुझे मिल ही रहा है। मगर यहाँ अब प्रॉब्लम अगर हम ये ये है। मान लें कि जब दूसरों को सुनाई देगा और दूसरे जवाब देंगे और तभी मैं सुखी होऊंगा, तब प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो ये यही है। बात हमको, जी, तो ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि समझने तक कोई दूसरा बाधा नहीं है। समझ के मैं भाव से स्टार्ट करूं इसमें भी दूसरा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। भाव के साथ मैं भागीदारी के अर्थ में विचार फैलाऊं इसमें भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। जब भागीदारी करने जाऊंगा तो मेरे करने से ही नहीं होने वाला है, बहुत सारे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जगह हो पाएगा कुछ जगह नहीं हो पाएगा। नहीं भी हो पाया मैं तो कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मेरे में तो भाव के अर्थ में चीज़ें चल रही हैं है ना। तो जब हम पेड़ लगाने जाते हैं तो मैंने पेड़ लगाया इसलिए पेड़ निकल आएगा, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है वो तो। हाँ, उस सही पर तो बात कई है। फिर फैक्टर्स कौन काम कर रहे हैं। करेगा? वो हाँ तो जी, जब पूरे प्रकृति में चीज़ें चल रही है उन सबका योग संयोग बनेगा
धूप, हवा, पानी, मिट्टी, फिर बीज की इंटरनल प्रिपरेशन अपनी एक, उन सब के साथ वो बीज से वृक्ष निकलता है। जी भैया, लेकिन हमारे में भागीदारी का विचार आया है, हमने पौधा लगाया है, यहाँ तक का तो सुख हमको मिलता ही है ना? फिर जो नहीं हो पाया है उसके लिए फिर भाव के साथ विचार करेंगे कि क्या होना बाकी रह गया है, फिर उसको कुछ करेंगे। लेकिन हाँ मेरा सुखी होना तो मेरी समझ और भाव और भागीदारी के अपने जो विचार फैला रहे हैं उससे इंश्योर हो जाता है। यस, इसलिए भैया हमने रास्ता जी यही निकाला कि भाई हम जिस के साथ सब मिलके काम कर रहे थे, तो अब वही काम हमें, हमारे लिए नहीं मगर वही काम हमें अलग से करना पड़ेगा। तो जो पूरी सिस्टम काम कर रही थी, वो पूरी सिस्टम का अभी दुरुपयोग हो रहा है, मगर हम कुछ कर पा नहीं रहे। तो जब वो देखते हैं तो हम भाव तो नहीं रखना चाहते, जब वो दुरुपयोग देखते हैं तो पीड़ा होती है। हाँ, तो दुरुपयोग, देखिए दूसरा दुरुपयोग कर रहा है ना, क्योंकि अभी वो सुख को प्रभाव के रूप में देख रहा है ना, बस इसलिए यही उससे हो रहा है ऐसा, इसलिए उससे ऐसा हो रहा है। इसे अटका है। तो इसलिए लिए कितने बड़ी संख्या में लोग, अच्छा करने वाले लोग, वही रास्ते से भटक गए। वो सही रास्ता था, सही हो रहा था। हाँ, भटक गए हैं लेकिन अपने में स्नेह का भाव बना रहेगा तो हम उनका ध्यान दिलाएंगे आराम से। जी जी क्या देखिए कल्पनाशीलता में ठीक हो जाएगा, जो सिस्टम डैमेज हुआ वो ठीक हो जाएगा देर सवेर, जी है ना? अगर व्यक्ति की कल्पनाशीलता में हम स्नेहपूर्वक ध्यान दिला दें तो सर, जो व्यक्ति अभी सिस्टम का दुरुपयोग करता दिख रहा है वही सिस्टम का सदुपयोग करता हुआ दिखाई देगा। हाँ बहुत प्रयत्न किया मगर वो संभव नहीं हो रहा है, और होगा भी हाँ ऐसा भी नहीं लगता है कि बहुत प्रयत्न कोई बात किया, नहीं। करते करते हम अलग हो गए, वहां नहीं कुछ हुआ। वो करने का जी प्रयत्न जी में ही अलग हो गए, और कई साल तक किया मगर जी नहीं हो पाया, तो हम निकल गए कि ठीक है हमारी कोई गलती हो गई, जो कि हम स्वीकार नहीं रहे कि हमारी गलती है, मगर उस और कोई चारा नहीं था। जी भैया, तो ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, लेकिन जी। इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर हम स्नेह के भाव के साथ हैं, विश्वास के भाव के साथ हैं, सम्मान के भाव के साथ हैं, जी, तो उस वो व्यक्ति का जब भी ध्यान जाएगा हम उसके लिए हमेशा ओपन बने रहेंगे। हाँ जो आपने शुरुआत में किया ना कि भी जो होगा ये अस्तित्व करेगा, उसका सही है तो सही होगा, और वो उसकी गलती है तो उसकी गलती भी उसको है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आगे आएगी। तो यही जी सोच के हम बैठे हैं, मगर आपने कहा कि ऐसा सोच के नहीं, हमें खुद के अंदर उसका वो ले आना है, इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि मैं जी तो हाँ अपने में बात अगर कर। हम भाव से बने रहेंगे तो वो व्यक्ति का ध्यान कभी भी जाएगा तो हम उसके लिए हमेशा ओपन रहेंगे, है जी, ना? लेकिन अपने में विरोध का आ गया तो वो व्यक्ति कभी वापस आना भी चाहेगा तो हम विरोध के भाव से फिर उसको आने भी नहीं देंगे। हाँ तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी उसका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन उसके ध्यान ना जाने से मैं कोई दुखी हो जा रहा हूँ ऐसा नहीं है। मेरा दुख तो फिर अब विरोध के भाव से हो रहा है। जी तो अपने में ठीक भाव बना रहे, उसका ध्यान कभी जाएगा, जाएगा तो हम उसके लिए फिर ओपन रहेंगे, वो संभावना तो अपनी तरफ से खुली रहेगी कम से कम। हाँ जी भैया, यही आशा के साथ बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल सही है। जी बढ़िया, ठीक है। गोपाल भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। सर नमस्ते दीदी, नमस्ते चर्चा तो रोज बहुत बढ़िया हो रही है, और जी। मैं अपने आप को जब वहां से AKG से FDP करके आई थी तो ये मेरी थोड़ी सी शेयरिंग है। तो उस शेयरिंग में सबसे पहले मैंने अपने आप से और घर पे ही रिजॉल्व करने की कोशिश करी कि हम लोगों की बहुत सारी प्री कंडीशन है जिससे हम अपने परिवार में ही सुखी सुख तो होना चाहते हैं, पर उस सुख के पीछे बहुत सारी चीजें हैं पर उस चाहना को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो आपकी वो बात मेरे को बहुत याद आई कि N1+N2+N3+ कब विस्फोट होता है।
उसका कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने अपने आप में पाया मेरे में बहुत ज्यादा विस्फोट होने लगे जब, तो मैंने कहा मैं अपना सोल्यूशन रिजोल्व करना पहले मैं और मैं अपने हस्बैंड से ही स्टार्ट करती हूँ। बैठे हुए अभी भी वो सामने, तो कई ऐसी सिचुएशंस थी, बहुत सारा विस्फोट ऐसे था कि अभी हुआ 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 और मैं अपने आप को दबा के रख रही थी। फिर मैंने कहा कि मैं तो सुखी होना चाहती हूँ, सीख के तो मैं आई हूँ कि हमें सुखी होना है, पर हम अंदर में ही इतना अंतर विरोध है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो आपका एक बहुत अच्छा वो मेरे को पॉइंट याद आया कि उसके लिए हमें अपना आपको हमारी पोटेंशियल तो है डिजायर थॉट्स एक्सपेक्टेशंस में, पर हम उसके लिए कोई प्रोग्राम और किसी पर्पस को लेके नहीं चल पा रहे सही समझ के साथ। तो ये बात मैं बिल्कुल पल्ले बांध के आई थी वहां से, AKG से। तो वहां से आके फिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि पहले तो अपने आप को रिजॉल्व करना है और फिर संबंधों को रिजॉल्व करना है, और फिर इसको रिजॉल्व करते करते 2-3 महीने में जब मैं रिजॉल्व कर पाई तो वाकई में वो हार्मनी में जो व्यवस्था मैंने अपने परिवार में देखी वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी, बहुत बिल्कुल अलग। यानी कि 32-33 साल की वो सिर्फ UHV के थ्रू रिजॉल्व कर पाई। तो फिर सोचा कि ये रिजॉल्व तो अपने आप में ही है और अपने स्वयं में ही है ये सब कुछ करना, तो हार्मनी तो बहुत फील हुई कि हाँ अब व्यवस्था में हम बने हुए हैं। तो उसके लिए जो हम लोगों ने प्रोग्राम सही समझ के लिए बनाया, उस पर्पस को पूरा करा, फिर मैं धीरे धीरे अपनी फैमिली से दूसरी फैमिली में, जब मेरे बड़े बेटे की शादी वहां पर रिजॉल्व में, वो वही एक्सपीरियंस वो जो अनुभव हुआ ना वो फिर मैंने वहां पर यूज करा कि हर चीज के लिए कि उस समस्या का समाधान तो मेरे में ही है। तो वहां पर समाधानित होते होते थोड़ी बात ही प्रैक्टिस चली, और प्रैक्टिस चलते चलते फिर और धीरे धीरे, पर अभी भी सर अभी भी मतलब कि उस बात को 6 महीने हो रहे हैं, पिछले दिसंबर की बात है, पर बीच बीच में जब उठता है ना वो विस्फोट, फिर अपने आप को देखना पड़ता है कि यहाँ पर मेरा भाव कहाँ था। तो उस भाव को देखते हुए सबसे पहले ये भाव आता है कि सामने वाला भी तो मेरे जैसा है। जब मैं इस बात को देखती हूँ ना सामने वाला मेरे जैसा है, तो तब मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ भेद तो मेरे में अपने में ही है, जब भी मैं इज्जत नहीं दे पा रही उसको और मैं उस पर विश्वास भी नहीं कर पा रही, तो स्नेह और प्रेम तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। फिर भावों को कुमार सर जब कहते हैं ना कि उसके पीछे भाव नहीं देख पाई रिश्वा तो भाव तो मेरे को कहीं जाके अभी जब ये बैच मैंने स्टार्ट करा था वहां से मेरे को थोड़े से नजर आने लगी कि हाँ अगर मेरे भाव बिगड़ते हैं तो वो भी मेरे ही, मैं आउटर इफेक्ट से ज्यादा प्रभावित होती हूँ ना, तो तब मेरा स्वभाव और भाव दोनों खराब होते हैं उस प्रभाव से। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा काम करा मैंने, और भागीदारी को लेकर जहां तक मेरा प्रश्न है, भागीदारी तो अभी मैं इतनी नहीं दे पा रही क्योंकि दूसरे बच्चे की भी थोड़ी सी मेरी जिम्मेदारी है, उसको भी निभा लूं, उसकी शादी है 2 महीने बाद, तो उसके बाद मैं बिल्कुल पूरा अपना भागीदारी UHV में देना चाहूंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे जो बहुत पुराने पुराने विरोध के भाव थे और संबंधों में भी विरोध था, बहुत बहुत ज्यादा था, उसको मैं रिजॉल्व कर पाई। तो बस आज इतनी शेयरिंग है, पर जितनी बारी भी UHV यहाँ फेस टू फेस करा है, फेस 1 करा है, FDP करी है, कुछ ना कुछ जहां पर मेरे को अपने पर काम करने की थी वहीं पर कोशिश करी कि पहले अपने आप और फिर अपने हस्बैंड के साथ, ये दोनों चीजों के साथ मैं बहुत एक्सपीरियंस कर पाई, और फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ी और समाधानित होती रही। पर वो भी समाधानित होना भी, जब तक हम अपने आप में समाधानित नहीं होते ना तो संबंधों में भी समाधानित नहीं हो पाते, यहाँ पर भी बहुत सारी बातें। तो डिजायर थॉट और एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए जो हमारे पास पावर है उसके साथ एक तर्क पर तर्क करने की भी बहुत बुरी, हेलो
आवाज आ रही मेरी? जी जी दीदी, आ रही आ रही दीदी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, लगता है दीदी का कनेक्शन लूज हो गया है। जी भैया, ठीक है भैया, तो हम लोग यहीं रोक लेते हैं, समय भी हाँ हो गया जी है भैया, ना, तो अगली समय बार दीदी की शेयरिंग ले लेंगे। जी, जी, धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर सेशन रहा।